तो सर भाई है ना, राम राम भाई। अभी हमें हरिद्वार हर की पौड़ी पे और तुम्हें दिखाते हैं नाइट नगरी का नज़ारा आज किस तरह रहता है, क्योंकि मज़ा आने वाला है दोस्तों। वीडियो में बने रहेगा क्योंकि आज नाइट ब्लॉगिंग करने के लिए तुम्हारा भाई आ चुका है फिर से हरिद्वार हर की पौड़ी पे, और क्योंकि मज़ा आने वाला है दोस्तों। ब्लॉग में बने रहेगा, आज तुम्हें दिखाता हूँ नाइट में किस तरह लोग स्नान करते हैं, यहाँ पर किस तरह का व्यवहार रहता है नाइट में। चलो दोस्तों नीचे से दिखाते हैं आज का व्यू। तो ये है नाइट का व्यू, कितना शानदार नज़ारा देख सकते हो। हम आपके लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों के लिए ऐसी हम आप लोगों के लिए नाइट में भी मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना दोस्तों आप लोगों का, प्यार बांटने से बढ़ता है दोस्तों। और देख सकते हो गंगा का पानी बहुत ही ज़्यादा कम किया है, पानी बहुत ही कम किया है और लोग अभी कम है अभी, क्योंकि घाट साले खाली नज़र आ रहे हैं। देख सकते हो लोग फिर भी स्नान कर रहे हैं, स्नान करने वाले लोग स्नान कर रहे हैं और बहुत ही प्यारा नज़ारा है क्योंकि पानी बहुत कम कर दिया दोस्तों पहली बात। और देख सकते हो पुल का ये नज़ारा, ये पुल जो है, ये रास्ता जो तुम्हें दिखाई दे रहा है सीधे अपर रोड पे जा रहा है, और जो सामने तुम्हें दिखाई दे रहा है वो है मनसा देवी। और तुम्हें बता दें थोड़ा सा इसका बैक की तरफ हम तुम्हें दिखाना चाहेंगे, तो प्लीज़ देख सकते हो आप पीछे का ये नज़ारा। अभी तुम्हें बता दें क्यों कि घाट पर संख्या भी बहुत कम है, अभी तो कम नज़र आ रहे हैं पर धीरे धीरे शिवरात्रि आने वाले ये घाट सारे भर जाएंगे। ए हीरो। तो दोस्तों हम आ चुके हैं फिर से हरिद्वार की पौड़ी पर, और तुम्हें दिखाते हैं आज का शानदार नज़ारा है। बिल्कुल बिल्कुल ब्लॉग में आ जाना भाई, और तुम देख सकते हो मुझे मेरे कुछ सब्सक्राइबर मिल चुके हैं। तो भाई जी मुझे कुछ जानना चाहते हैं, भाई क्या जानना चाहते हो मेरे से? आपका मैंने बहुत देखा आपका चैनल। थैंक यू ब्रो, आपका नाम क्या? भाई हमारे एक सब्सक्राइबर मिल चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कोई मैंने ब्लॉग रैली देखना भाई आपको? बिल्कुल भाई, थैंक यू। कुछ सब्सक्राइबर जानने वाले मिल चुके थे क्योंकि बोल रहे थे भाई यार ब्लॉग में मुझे मिले, तो मैंने कहा क्यों नहीं भाई ब्लॉग में ले लेते, तो उनसे मिलकर भी मुझे बहुत सारी खुशी हुई क्योंकि लोग आते हैं ना तो ऐसे लोग जानते हैं तो बहुत खुशी आती है यार। अगर कोई बंदा बोले तो यार भाई मुझे भी अपनी वीडियो में ले लें तो बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों आप भी मुझे इसी तरह प्यार करते रहे और सपोर्ट करते रहे, आपका प्यार मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बनाए रखना, ठीक है दोस्तों। और दिखाते हैं तुम्हें आज का नाइट का व्यू कि किस तरह रहता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा यहाँ का नज़ारा बहुत। ये देख सकते हो ये है नाइट नज़ारा यहाँ का, बहुत ही सुंदर नज़ारा है और बहुत ही अच्छा नज़ारा अभी रात का। और पानी बहुत, मैं तुम्हें बता दूँ दोस्तों कि पानी बहुत कम किया गया है, इसलिए पानी कम किया क्योंकि ऊपर सफाई चल रही थी, पानी कम किया गया। आप देख सकते हो बीच में हमें पत्थर जो दिखाई दे रहे दिख रहे हैं तुम्हें कंकड़, क्योंकि पहले पानी दोस्तों मैं तुम्हें बता दूँ ये तीसरी से चौथी मंजिल पर रहता था, आज ये पानी बहुत ही कम हो चुका है। और ये नज़ारा यहाँ का जो है अभी देखने लायक है, तो आप देख सकते हो यहाँ का कितना शानदार नज़ारा है। और यहाँ पे हमें लग रहा है कि कोई आदमी जैसे कि बहुत ही गम में बैठा है दोस्तों, इतने ठंड में भी लोग कहाँ कहाँ से स्नान आएंगे। तो हमें एक भाई जी मिल चुके हैं, भाई जी आप कहाँ से हो, आप क्या जानने के? हरियाणा से हो? तो हरियाणा से आपको कितना टाइम हो गया यहाँ आए हो अभी? अच्छा अच्छा, तो इनके साथ एक भाई भी और दिखाई दे रहे क्यों ठंड से? अच्छा अच्छा, तो भाई ठंड कितना हो रहा पानी? क्यों नहीं भाई यार मजा आ गया भाई यार, हरियाणा के बंदे हैं भाई, देख सकते हो ठंड में भी स्नान कर रहे हैं यार भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, क्यों नहीं जो हुआ जो, क्यों नहीं क्यों नहीं भाई यार, ओके ओके भाई। चलो देखो जानने की बहुत खुशी, भाई जी से मिलकर बहुत ही खुशी है। हरियाणा से हैं बंदे, पेपर देने के लिए देहरादून जा रहे हो, इतने ठंड में भी स्नान कर रहे भाई, हम लोगों की तो बस की नहीं लौट है हरियाणा के भाई, देख लो हरियाणा के है भाई, हरियाणा के है भाई बंदे बहुत ही। चलो आप थोड़े से हम लड़के से बात करने की कोशिश करते हैं। तो भाई और दोस्तों हम तुम्हें बता दे भाई आर्मी वाले भाई हैं, देख सकते हो तुम आर्मी वाले भाई, आर्मी वाले हो ना, ऐसी कोई बात नहीं भाई, मैंने करो सभी लोगों को, थैंक यू अपने शरीर में मजबूती होनी चाहिए, ठीक है ठीक है। हरियाणा का दूध दही का खाना तो भाई सबने दे रहा है, आज के दिन भारत में मैं ले आऊँ तो हरियाणा के बालक ले आऊंगा, ठीक है जी, वो किस कारण ले आऊँ दूध दही का खाना भाई। इसलिए हमारा हरियाणा पहलवान,
बिल्कुल बिल्कुल भाई हरियाणा भाई से मिलके बहुत ही ज्यादा खुशी मजा आया भाई, सारी कुछ बता दिया उसने अपने राम कहानी के बारे में भाई, मजा आया भाई। हरियाणा बंदे मिल चुके थे उनसे मिलके हमें बहुत ही ज्यादा खुशी हुई भाई, बहुत ही खुशी हुई। तो हम इनसे थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे, इधर आवाज ब्लॉगिंग को यहीं करते हैं समाप्त, क्योंकि मजा आया होगा। हमने एक बंदे की हेल्प भी की और ऐसे हरियाणा बंदे भी मिले हमें, बहुत ही मजा आया दोस्त। ऐसे कुछ सब्सक्राइबर भी मिल गए थे, ऐसी वीडियो बना रहा था। तो दोस्तों ऐसे ही मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे दर्शन कराएंगे आप लोगों को। तो ऐसे तब तक के लिए बाय बाय, ओके सर।